अगली खबर भी कन्नौज से, जहां योगी सेना और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई को वापस लेने के लिए बजरंग दल जिलाध्यक्ष योगी सेना के जिलाध्यक्ष गोपाल पांडे के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में हनुमान चालीसा का पाठ कर प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हुए योगी सेना और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर मुकदमे को वापस लेने के लिए मुख्यमंत्री को संबंधित जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। देखें यह रिपोर्ट। R9 भारत के लिए कन्नौज से अमित मिश्रा। नमस्कार। जनपद कन्नौज के तालेग्राम स्थित ग्राम रसूलाबाद में जो घटना हुई थी, उस घटना को लेकर के हिंदूवादी संगठन और उनमें से खासकर योगी सेना के कार्यकर्ताओं में जो आक्रोश है, उस आक्रोश को लेकर के वहां पर जो घटना हुई, उस घटना में प्रशासन ने संज्ञान में लेकर के यहां के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को यहां से तत्काल प्रभाव से हटा दिया और नए जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक की यहाँ पर नियुक्ति हुई। बावजूद इसके जब वहाँ पर कुछ कार्रवाई हुई है, उन्हीं कार्रवाइयों को लेकर के आज यहाँ पर हिंदूवादी संगठन योगी सेना और अन्य संगठनों ने यहाँ पर कलेक्ट्रेट परिसर में धरना देते हुए यहाँ पर आज जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। क्या है पूरा मुद्दा, क्या है मैटर, चलिए मैं आपको यहीं पर योगी सेना के जिलाध्यक्ष गोपाल पांडे से रूबरू करवाता हूँ और पूछता हूँ आखिर मुद्दा और मैटर क्या था। यहाँ पर योगी सेना के जिलाध्यक्ष और बजरंग दल के जिलाध्यक्ष जी हैं। चलिए मैं पूछता हूँ, सर आप लोग आज, मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कलेक्ट्रेट परिसर में बहुत भारी संख्या में यहाँ पर आए हैं, किस निमित्त आए थे और क्या है पूरा मुद्दा उसका? तालेग्राम क्षेत्र में जो गाय का सर काट के मंदिर पर रखने का काम विधर्मियों ने किया है, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो और सही कार्रवाई हो। वो पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, पुलिस कार्रवाई से बच रही है और वहाँ के हिंदू समाज के ऊपर अनलगल मुकदमे लिख करके उनको जेल भेजने का काम जनपद कन्नौज की पुलिस कर रही है। जनपद कन्नौज की पुलिस को बजरंग दल योगी सेना ये चेतावनी देती है कि शाम तक अगर जो हमारे हिंदू भाइयों को नहीं छोड़ा गया तो तालेग्राम थाने में जो है जा करके हम अपने कार्यकर्ताओं को छुड़ाने का काम करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो रसूलाबाद में जो घटना हुई है, उस घटना में क्या, अगर पुलिस प्रशासन पहले से अगर मुस्तैद होता या सक्रिय होता तो क्या ये घटना को अंजाम शायद लोग नहीं दे पाते? पुलिस प्रशासन माननीय योगी जी के आदेशों को दरकिनार करते हुए अपने मैनेजमेंट के आधार पर उत्तर प्रदेश में काम कर रहा है और इसी के सुधार के लिए बजरंग दल आज सड़क पर है, जो ये चाहता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस बिल्कुल सही काम करे। गलत काम करेगी तो बजरंग दल उसके खिलाफ भी मुकदमा पंजीकृत कराने का आह्वान करे। ये जो घटना हुई है, उस घटना को लेकर के आज आप लोगों का यहाँ पर क्या क्या कार्यक्रम रहा, मतलब जो है आप लोगों ने यहाँ पर ज्ञापन सौंपा, ज्ञापन सौंपने के अलावा भी कुछ अन्य कार्यक्रम हुए? देखिए जैसा कि परसों जो घटना हुई है, हम लोग देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में किस प्रकार से सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। आए दिन जिहादियों के द्वारा अत्याचार किया जा रहा है। अभी बिल्लौर में धारदार हथियार से हमारे दो हिंदू भाइयों को मार दिया गया। सावन का सोमवार आने वाला था, शनिवार को मंदिर में जाकर के गाय को हवन के अंदर डाल दिया गया। आखिर क्या करना चाहते हैं ये लोग? इसमें कहीं ना कहीं देखा जाए तो पुलिस प्रशासन की गलती है। इंटेलिजेंस आपका क्या कर रहा था? जब तमाम घटनाएं उत्तर प्रदेश में हो रही हैं, ऊपर से आदेश आ रहे हैं बराबर कि आप लोग इंटेलिजेंस को मुस्तैद रखिए, तब भी इतनी बड़ी अप्रिय घटना कैसे हुई? और यदि अगर घटना हो भी गई तो क्या हिंदू समाज को यह भी अधिकार नहीं प्रशासन देगा कि अपना विरोध प्रदर्शन कर सके? उसमें भी क्या जाता है, क्या लाइन ऑर्डर खतरे पर आ जाता है? जब जिहादी जिहाद करता है तब लाइन ऑर्डर खतरे पर क्यों नहीं आता? ये सवाल करना चाहते हैं। यदि वहाँ पर कार्रवाई उतने ही टाइम एसओ ने कर दिया होता, उतने टाइम ही वहाँ पर दबिश देकर ऐसे अराजक तत्वों को उठा लिया गया होता, तो हमारे लोगों को वहाँ पर बैठ के पुलिस प्रशासन से कार्रवाई की मांग करने के लिए बैठना ना पड़ता। तब संवेदनशील माहौल लोगों के द्वारा जो बनाया गया उनको मौका ना मिलता। तो कहीं ना कहीं ये जो गलती है, ये प्रशासन की गलती है। सरेआम मुख्यमंत्री जी के आदेशों का पालन नहीं प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। और जब हमारे लोग इन जिहादियों के खिलाफ प्रशासन से ये केवल मांग करने के लिए खड़े होते हैं कि साहब ऐसी ऐसी घटनाएं हमारे साथ हो रही हैं, तो उनको भी प्रशासन उठाकर उनके ऊपर फर्जी मुकदमे लगा करके हमारे योगी सेना के, हमारे विश्व हिंदू परिषद के, हमारे राजन पटेल, सानू पटेल, तमाम हिंदू कार्यकर्ताओं को कल उठा लिया गया। उनके माताओं बहनों को, उनके परिवारों को, हिंदू समाज को हम लोग कैसे मुँह दिखाएं भाई? यदि उन्होंने, अगर आपके पास कोई प्रूफ हो, कोई आपके पास साक्ष्य हो,
तो आप करें तो ठीक है, लेकिन हम सब लोग विरोध करते हैं, जो जिहादी ने गलती की है उनको सजा दी जाए, जिन्होंने गाय काटा उनको सजा दी जाए, जिन्होंने माहौल खराब किया उनको सजा दी जाए। तो अभी आप लोगों ने यहाँ पर जो ज्ञापन दिया है, उस ज्ञापन को लेकर आप लोगों को कुछ आश्वासन मिला है? नहीं, अभी कोई आश्वासन नहीं है। टीएम साहब, सीडीओ साहब सभी लोग कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी, लेकिन हम लोग तालीग्राम थाने जा करके वहाँ बैठ करके कार्रवाई कराने का काम करें। अगर जो है कार्रवाई नहीं होती है तो आप लोग जो है आगे की आप लोगों क्या रणनीति रहेगी? आगे की जो रणनीति है वो तालीग्राम थाने पहुँच करके अपने हिंदू भाइयों को छुड़ाने की है, और हिंदुओं पर कोई अनैतिक कार्रवाई ना हो, यही हमारा मुद्दा है। उस मुद्दे पर हम लोग काम कर रहे हैं। जय श्री राम। आप देख सकते हैं यहाँ पर बजरंग दल और योगी सेना के जिलाध्यक्षों की अगुवाई में सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट परिसर में आए हुए हैं, और उनका सीधा कहना है कि अगर जो है कार्रवाई उचित नहीं की गई तो हम लोग जो है आगे की रणनीति बना करके उस पर जो भी कार्रवाई उचित होगी उसको करवाने के लिए शासन प्रशासन को बाध्य करेंगे।